पर्वतपुरा में आज शाम को पर्वतपुरा में पेट्रोल पंप पे एक हादसा हुआ जिसमें 9 लोग झुलस गए और एक की मृत्यु हुई मौके पे और 8 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में जेएलएन में एडमिटेड हैं और बर्न हुआ है सबको। और यहाँ पर हम सब मौजूद हैं जिसमें डॉक्टर्स सभी तरह से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, सबका बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो घटना हुई उसकी और डिटेल इंक्वायरी के लिए हम एडीएम साहब के अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं जो पूरी घटना के लिए क्या हुई कैसे हुई उसकी डिटेल में और इंक्वायरी करेंगे जिससे पूरे तथ्य सामने आ सके कि क्यों हुई घटना। एफर्ट्स उसमें बर्न हुए हैं, सब पेट्रोल संचालक और उनकी पूरी टीम थी और भी कोई बाहर से कोई लोग थे जो फिलिंग कराने आए थे? हाँ जी, 8 लोग इसमें जो बर्न हुए हैं, एक जो डेथ हुई उसके अलावा 8 लोग और हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग उसी पेट्रोल पंप के थे और बाकी की भी डिटेल हमने नाम और एड्रेस सारे ले लिए हैं, यहाँ पर सबके परिजनों को भी सूचित कर दिया हमने और सभी का हम बेस्ट ट्रीटमेंट के प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर प्रथम दृष्टया देखें तो किस तरीके से हादसा होना सामने आया? देखिए, इसकी जो इंसिडेंट हुआ है उसमें डिटेल में हम इंक्वायरी करके ही पूरे एग्जैक्टली फैक्ट्स बता पाएंगे कि क्यों हुआ है। और उससे पहले हम सबको पता है कि एक एक्सीडेंट था कि जो हुआ है, तो उसके डिटेल तथ्य हम बाद में बता पाएंगे इंक्वायरी करके। ये थाना आदर्श नगर क्षेत्र के खालसा पेट्रोल पंप जो कि हाईवे पे स्थित है, वो एलपीजी गैस का जो स्टोरेज टैंक था उससे ट्रक का जो टैंकर था उसमें गैस भर रहे थे और उसमें बाकायदा कंपनी के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन जो जमीन पे जो टैंक था उसमें 4-5 वाल्व लगे हुए थे, किसी एक वाल्व ने अचानक आग पकड़ ली और वहाँ 8-10 लोग जो उसमें गैस भर रहे थे, मदद कर रहे थे, वो सारे उसमें झुलस गए। तो मौके पर ही एक व्यक्ति की डेथ हो गई, 9 उसमें जल गए जो सारे के सारे एडमिट हैं यहाँ और उनकी भी हालत ठीक नहीं है, काफ़ी झुलसे हैं, उनको बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ दिलाया जा रहा है।